रेवाड़ी में युवक ने बुलेट से छोड़े 33,000 के पटाखे। हरियाणवी कलाकार प्रिया को भी करना पड़ा ट्रैफिक पुलिस का सामना, बोली महिलाओं का सम्मान करना सीखो। बता दें कि रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट से पटाखे की आवाज निकालने वाले युवक का 33,000 रुपये का चालान कर दिया। इसके साथ ही यातायात नियमों की अवहेलना पर एक हरियाणवी कलाकार के साथ दर्जनों वाहनों के चालान किए। रेवाड़ी ट्रैफिक कर्मी से भूषण ने बतलाया कि रेवाड़ी के ब्रास मार्केट में एक बुलेट का 33,000 रुपये और नाई वाली चौक पर बुलेट से पटाखे की आवाज निकालने वाले युवक का 10,000 रुपये का चालान किया है। इसके साथ ही यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए। श्री भूषण ने कहा है कि अपनी गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। नाईवाली चौक पर तेज रफ्तार कार में दौड़ रही हरियाणवी कलाकार प्रिया को भी ट्रैफिक पुलिस का सामना करना पड़ा। प्रिया ने बताया कि हम जल्दी में हैं, पुलिस को नियमों के साथ साथ महिलाओं का सम्मान भी करना चाहिए। बुलेट बाइक ने पुलिस को देख लेने की धमकी दी। बुलेट से पटाखे की आवाज निकालने पर ट्रैफिक पुलिस ने जब चालान किया तो युवक ने पुलिस को देख लेने की धमकी दी। आप देख रहे रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। जी मैं आपके अपने हरियाणवी कलाकार प्रिया रेवाड़ी से। तो अभी मैं मुझे कोर्ट में दरअसल कुछ जरूरी काम था, तो मैं जा रही थी यहाँ से रेवाड़ी नाईवाली चौक से। तो जैसे ही हमने साइड से थोड़ी गाड़ी निकाली, हालांकि बीच में ट्रक अड़ा हुआ था, जैसे हमने साइड से निकाली तो कुछ पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। चलो उनका भी अपना काम है, रोक लिया कोई बात नहीं। और हमने अपनी बात भी रखी उनके आगे कि भाई हमें जल्दी में जाना है, जल्दी हम तो जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई कहाँ कैसे, मैंने अपनी बात भी रखी, जी मैं अपनी हरियाणवी कलाकार हूँ, जी ऐसे ऐसे बात है। वो बोले कि क्या की हरियाणवी कलाकार, तू क्या की हरियाणवी कलाकार। मैंने कहा जी बोलने की नॉलेज लो आप बहुत गलत बोल रहे हो। मैं पब्लिक के बीच में रहती, मुझे पता है कौन क्या कैसे क्या है। मुझे इनका बोलने का तरीका थोड़ा अच्छा नहीं लगा है, बाकी कोई बात नहीं। देखो इनका काम अपनी जगह है और हमारा काम अपनी जगह है। नहीं नहीं बिल्कुल जी, मैं तो यही कहूंगी, देखो आज मैं हूँ, कल को मेरी जगह कोई और भी होगी, क्यों? तो देखो कभी भी किसी को ऐसा ना बोलो, लेडीज की देखो रिस्पेक्ट तो होती है। मैं भी देखो दिन रात पब्लिक में रहूँ, आप इनका, हाँ यही तो बोला मैं, इनका भी फर्ज है पूरा, ये देखो अपना काम करेंगे जैसा हम करते हैं। हमें भी स्टेज पे एक झटके में खड़ा होना पड़े, एक झटके में डांस करना पड़ता है, पड़ता है ना जी, तो ये तो हमारा फर्ज है। मैं तो यही चाहती हूँ जल्दी में थी मैं, बात ये बस जाने दो, आती समय अगर मैं नहीं आती हूँ तो बात अलग है, नहीं आती हूँ। हाँ जी बिल्कुल जी, आते जाते जितने भी है उनका क्या अच्छा यातायात जो भी इनका पालन करे। देखो कभी किसी से गलत ना बोलो, देखो यही रिक्वेस्ट है मेरी, तो आज मैं हूँ तो कल कोई और भी होगी। ये रूटीन के हम भी चलान करने लगे हैं, और आज दो बुलेट पे चलान किए जो नॉन फंक्शन साइलेंसर लगाए हुए थे, जो कंपनी से ऑथराइज्ड नहीं है, और ये पटाखे वगैरह बजाते हुए चलते, इसलिए इनके चलान किए गए। ये आज दो बुलेट गाड़ियों के चलान किए हैं, और एक गाड़ी थी उसने बत्ती लगा रखी थी लाल नीले रंग की, उस बत्ती का चलान किया। बुलेट का एक का बिना कागजात के चलान किया 33,000 कुछ का, और एक क्या है साइलेंसर का 10,000 का। आगे भी करने लग रहे हैं, और कोई मिलेगा उसका भी चलान करेंगे। मैसेज तो ये है, अपने यातायात नियमों का पालन करें और अपने सेफ्टी से चलाएं, और हेलमेट पहन के टू व्हीलर चलाएं और तीन सवारी ना बैठें।